आकाशवाणी MNS न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं अब तक की खबरें, एक नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के रामबन में आतंकियों ने बस रोकने की कोशिश की, घर में लोगों को बनाया बंधक। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कोर्ट के आदेश को मानने से किया इनकार, कहा नवरात्र पर स्पीकर डीजे सब चलेगा। भारत ने पाकिस्तान के PM इमरान खान को याद दिलाया दारा आदम खेल। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में 28 तारीख शनिवार की सुबह अलग अलग जगह 3 हमले की सूचना मिली है। 2 जगहों पर आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ जारी है, जबकि 1 जगह आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों पर ग्रेनेड से हमला किया। घटना रामबन जिले के बटोटे की है। सेना के अनुसार आतंकी श्रीनगर जम्मू हाईवे पर एक बस रोकने चाह रहे थे, इसी दौरान सेना के जवानों ने चारों तरफ से घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। एक आतंकी मारे जाने की सूचना है। जब साध्वी प्रज्ञा को लाउड स्पीकर के मामले में कोर्ट के फैसले की याद दिलाई गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट का ये फैसला मंजूर नहीं है। साध्वी प्रज्ञा भोपाल में मीडिया से बात कर रही थी। पाकिस्तान में धारा आदम खेल नाम की एक जगह है जो पेशावर से दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों से घिरा एक कस्बा है। यह जगह पूरी दुनिया में खतरनाक हथियारों को काला बाजारी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर खतरनाक राइफल तक बनाई जाती है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार से काफी कीमत में बेची जाती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आप प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी ऐप को डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।